गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में जाना, और उससे पहले हमने ब्लड सेल्स के बारे में जाना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में कुछ 7-8 पॉइंट हमने पढ़े थे। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूँगा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो है हार्ट। जो कि हार्ट क्या करता है, पंप करता है। ब्लड सर्कुलेशन में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो हार्ट का ही होता है, जो इम्प्योर ब्लड को वापस भेजता है लंग्स पर, प्योर करके वापस हार्ट पर आता है, और हार्ट क्या करता है, उसको पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ह्यूमन हार्ट इज़ फ्लैशी होलो एंड क्लोज फिस्ट शेप रेड कलर ऑर्गन विच इज़ मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये जो हार्ट होता है वो होलो होता है, प्लस फिस्ट का मतलब होता है अपनी हथेली जितना होता है, प्लस किसका बना होता है, ये मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। और कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का। यानी ह्यूमन हार्ट रेड कलर का, प्लस हमारी जितनी हथेली होती है, फिस्ट जो होती है, उस कंडीशन में मस्कुलर टिश्यू का ये हार्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर उसकी बनी होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट इज एनक्लोज्ड विथ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये जो हार्ट है वो डबल मेम्ब्रेन की जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, और उस कवर को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। अक्सर क्वेश्चन आता भी है कि पेरिकार्डियम किसे कहा जाता है, तो हमें उसकी डेफिनेशन के रूप में लिखना है, इट इज एन Enclosed with double walled membranous covering, it is called pericardium। जो कि हार्ट के ऊपर क्या करता है, ऐसे कवरिंग जो होती है, डबल मेम्ब्रेन की जो कवर होती है, वो पेरिकार्डियम कहलाती है। इसके अंदर एक फ्लूड पाया जाता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूड पाया जाता है। इस पेरिकार्डियल फ्लूड का वर्क क्या है, दिस फ्लूड प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम आउटर शॉक। जो आउटर शॉक हमें लगते रहता है उसको बचाने का काम कौन करता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूड करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि फंक्शन का है, क्या है पेरिकार्डियल फ्लूड का, तो हमें लिखना है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, बाहरी शॉक्स जो आते हैं, बाहर से जो शॉक्स वगैरह आते हैं उसको बचाने का काम करता है। थर्ड पॉइंट, फोर अपार्टमेंट इसके अंदर पाया जाता है। टू तो अपर होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, टू अपर आर कॉल्ड एट्रियम। एट्रियम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड लोअर टू पार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये तो ऊपर के दोनों पार्ट हो गए जो कि स्मॉल होते हैं, और लोअर जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, जो कि लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। ऑन लॉन्गिट्यूडनली डिसेक्टिंग द हार्ट इन लेफ्ट एंड राइट पार्ट वी ऑब्टेन वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। जब लॉन्गिट्यूडनली हम उसको डिसेक्शन करते हैं इस हार्ट का, तो देखा जाता है कि एक तरफ वन में आट्रियम होती है, उसके जस्ट नीचे वन वेंट्रिकल, एक तरफ वन वेंट्रिकल और नीचे उसके वन वेंट्रिकल आट्रियम और वन वेंट्रिकल पाया जाता है। यानी कि राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली जब हम इसका डिस्ट्रक्शन करते हैं, तब ये उसके टू पार्ट, लेफ्ट और राइट पार्ट में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इसका, लेफ्ट साइड एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर ज्वाइंट बाय कप्साइड वॉल। ये जो है लेफ्ट जो आट्रियम और वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में एक वॉल पाया जाता है, जिसको बाइकप्साइड वॉल कहा जाता है, विच इज नोन एज मिट्रल वॉल। ये मिट्रल वॉल से भी जाना जाता है। यानी कि पूछा जाए कि मिट्रल वॉल के बारे में लिखना है, तो वो बाइकप्साइड वॉल ही है, बाइकप्साइड पूछे तो भी मिट्रल वॉल के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। जब बात सिक्स्थ पॉइंट की आती है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये तो हो गया हमारे लेफ्ट साइड वाला, राइट एंट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राई कप्साइड एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल पाया जाता है। ट्राई कप्साइड एंट्री वेंट्रिकुलर वॉल पाया जाता है। दिस वॉल प्रिवेंट फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड वापस फ्लो ना हो जाए, इस वजह से ये वॉल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लो जो है वो वापस राइट एंट्रियम वेंट्रिकल से एट्रियम पर ना पहुंच पाए, क्योंकि ब्लड जो होता है वेना केवा से राइट एट्रियम पर आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सेवन्थ पॉइंट, ए साउंड लाइक लुप डुप
इज प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ दिस वॉल। जब ये वॉल खुलते हैं, क्योंकि राइट एट्रियम पर जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है वहाँ प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है तो ये वॉल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो लुपडुप की जो साउंड प्रोड्यूस होता है वही उसके क्लोजिंग और ओपनिंग में ये वहाँ पर सुनाई देता है। एट पॉइंट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर इन्वॉल्व इन रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब ये पंप करते हैं तब रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, जिसकी वजह से राइट एट्रियम पर जब ब्लड आता है वो फिर वॉल खुलते हैं, राइट वेंट्रिकल पर आता है और फिर ये आगे की तरफ क्या होता है, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। वो प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। बाय दिस प्रोसेस हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जब ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है तो जब ये इम्प्योर ब्लड लंग्स पर पहुँच कर ऑक्सीजनेट होकर जब ब्लड वापस रिटर्न होता है तब हार्ट क्या करता है, उसको पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हार्ट की जो पूरी जो फंक्शन है, कैसे वेना केवा से ब्लड कहाँ आता है, फिर कहाँ पहुँचता है, कहाँ से वापस रिटर्न होकर वो ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट पर आता है, और हार्ट कैसे पूरे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कराता है, जो कि ऑक्सीजनेट होता है वो कैसे प्रोवाइड कराता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। थैंक यू सो मच।